हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, रीजनल पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भारत की है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का है। पर इसके बावजूद आज भी भारत में गरीबी, भूखमरी, करप्शन, इलिटरेसी, पब्लिक हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम मौजूद है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इन प्रॉब्लम में कोई सुधार आया है या ये प्रॉब्लम्स पहले से और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जीडीपी के बारे में, ट्रेड के बारे में और साथ में जानेंगे भारत की इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोज को वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था एक डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमी तीन टाइप्स की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट मतलब जहां गवर्नमेंट ओन करती है, और मिक्स्ड जहां दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर फिर मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए और दोनों ने भारत का खजाना खाली कर दिया। आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत की जीडीपी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 32% थी, 10वीं सदी में 28% थी, 15वीं सदी में 24% थी, पर 1947 तक आते आते ये वर्ल्ड की जीडीपी का सिर्फ 3% हो गई थी। सोचो किस कदर लूटा गया है भारत को। भारत का खजाना खाली कर करके अंग्रेजों ने अपना खजाना भरा है, पर अब भारत वापिस से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। 2021 में भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 7.19% है और 2030 तक ये 10% तक हो जाएगा। 1947 में जब भारत के पास कुछ नहीं बचा तब जाके भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे अधिक योगदान हुआ करता था और तब से लेकर अब तक भारत को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश की रीढ़ भी कहा जाता था। फलों, सब्जियों, मसालों, वनस्पति तेलों जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे भारत के इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती थी। पर धीरे धीरे समय बदल रहा था, दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिससे भारत में भी प्रोडक्ट्स बनने लगे और एक्सपोर्ट होने लगे और फिर भारत में इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। पर जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी उस हिसाब से भारत ग्रो नहीं कर पा रहा था, और इसका कारण ये था कि 1947 में भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, सरकार जिसको चाहेगी उसको लाइसेंस देगी और पूरे मार्केट पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। 1951 में भारत में लाइसेंस राज की शुरुआत होती है। भारत के सोशलिस्ट पॉलिसी और लाइसेंस राज के चलते भारत में जो फॉरेन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से थे वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में जनरल मोटर्स, फोर्ड, रूटर्स ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई में थे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एशिया में सिर्फ भारत में थे। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के समय अंग्रेजों को भारत में चीप लेबर की फैसिलिटी मिलती थी, तो उन्होंने इन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बैठा दिए थे। पर भारत के लाइसेंस राज के चलते 1954 में ये सारी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बंद कर दिए, जिससे ये हुआ कि भारत की जो ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती थी वो कम हो गई। देखो, शुरुआत में नेहरू जी ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था। फॉरेन कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन नहीं थी क्योंकि अंग्रेज भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही भारत में आए थे। तो नेहरू जी ने शुरुआत में सोशलिस्ट पॉलिसी को अपना के सही काम किया था, पर सोशलिस्ट पॉलिसी और लाइसेंस राज को इतना लंबा खींच दिया जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था 40 सालों तक बंद थी। पर फिर आता है साल 1991, जब भारत में आर्थिक मंदी देखने को मिली। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट क्राइसिस थी। देश का ट्रेड बैलेंस गड़बड़ा चुका था
1990 के अंत तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत के फॉरेन रिजर्व में मुश्किल से 3 सप्ताह के इंपोर्ट लायक पैसा बचा था। सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत सरकार फरवरी 1991 में बजट तक पेश नहीं कर सकी थी। विश्व बैंक और IMF ने भी अपनी सहायता रोक दी थी, जिसके कारण सरकार को पेमेंट करने के लिए देश के सोने को गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तब इस आर्थिक संकट से भारत को निकालने के लिए भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनी के लिए खोल दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक के बाद एक फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी और इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज होने लगी। फिर इसके बाद भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत ध्यान दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BPO जैसे टेक्निकल फील्ड में फोकस करना स्टार्ट किया। सर्विस सेक्टर के बढ़ने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी बल्कि इंडियन बिजनेसेस की भी ग्रोथ होने लगी। सर्विस सेक्टर के कारण भारत को ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया और भारत ने यह मौका गवाया भी नहीं और अपने यहां के बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना स्टार्ट कर दिया। फिर साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला। 2008 में आई आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा जितना दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ा था। 2008 की मंदी के दौरान भारत की ग्रोथ रेट गिर गई थी, पर फिर अगले साल ही ये तेजी से रिवाइव हो गई थी। फिर 2014 से 2018 तक इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी, पर 2019 में इंडियन इकॉनमी में स्लोडाउन देखने को मिला। लगातार 6 क्वार्टर से भारत की GDP ग्रोथ रेट गिर रही थी। फिर इसके बाद पता नहीं कहां से कोरोना वायरस आ गया। चाइना से कोरोना वायरस आ गया और फिर भारत की अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी। 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट -7.3% गिर गई, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अभी की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2021 में भारत की नॉमिनल GDP $3 trillion है और PPP $10.21 trillion है। GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019-20 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 4.2% थी, वहीं 2020-21 में पेंडेमिक के चलते भारत की GDP ग्रोथ रेट -7.3% कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और इसी के चलते भारत की GDP पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है और भारत की रैंक इकॉनमी में एक पोजीशन नीचे गिर गई है। 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 9-10% के बीच में प्रेडिक्ट की गई है। GDP पर कैपिटा की बात करें तो पैंडेमिक के कारण भारत की GDP पर कैपिटा भी पिछले साल के मुकाबले 10% कम हुई है। 2020 में भारत की पर कैपिटा $2191 थी, जो 2021 में गिर के $1947 हो गई है। PPP टर्म्स में भारत की पर कैपिटा $7,333 है। GDP बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15.4% है, इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 61.5% है। पॉवर्टी की बात करें तो बीते 10 सालों में भारत में गरीबी कम हुई है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते 10 सालों में 271 मिलियन, मतलब कि लगभग 27.1 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। 10 सालों में पॉवर्टी रेट भारत में 55% से घटके 21% पे आ गया है। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में UN की रिपोर्ट आती है, 2021 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, पर PU रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पेंडेमिक के कारण भारत की पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। 2020 में पेंडेमिक के कारण 75 मिलियन इंडियन पुअर लेवल पर आ गए हैं। पुअर लेवल मतलब जो पर डे $2 से भी कम कमा रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है, पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, पर अच्छी बात पीयू रिसर्च ने ये भी बताई है कि भारत में पेंडेमिक के कम होते ही भारत की पॉवर्टी रेट बहुत तेजी से कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जून 2021 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% है। अभी भारत के कुछ स्टेट्स में पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए आपको भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा दिख रही है, पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस से कम हो जाएगी, जैसे पिछले साल हुई थी। पिछले साल अप्रैल में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई 23% थी, वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट सितंबर में 6% तक आ गई थी। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो भारत की रैंक फॉरेन रिजर्व में 4th है। जून 2021 में भारत का फॉरेन रिजर्व $608 बिलियन है। अभी भारत ने फॉरेन रिजर्व के मामले में रशिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत की ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुई है। जहां 2019-20 में भारत का टोटल ट्रेड $788 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का ओवरऑल ट्रेड गिर के $684 बिलियन हो गया। जहां 2019-20 में भारत का इंपोर्ट $474 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का इंपोर्ट गिर के $393 बिलियन हो गया।
भारत के इम्पोर्ट में 17.1% गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम भारत के एक्सपोर्ट की बात करें तो 2019-20 में भारत का एक्सपोर्ट $313 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का एक्सपोर्ट गिर के $290 बिलियन पे आ गया है। भारत के एक्सपोर्ट में भी 7.2% की गिरावट देखने को मिली है, पर ट्रेड कम होने से भारत को एक फायदा ये हुआ है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है। जहां 2019-20 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $161 बिलियन था, वहीं 2020-21 में भारत का ट्रेड डेफिसिट गिर के $103 बिलियन हो गया है। ट्रेड डेफिसिट मतलब जब आप इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ट्रेड सरप्लस मतलब जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और उसके मुकाबले इम्पोर्ट कम करते हैं। भारत का ट्रेड हमेशा से डेफिसिट में रहा है। भारत हर साल दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदता है और उसके मुकाबले कम सामान दूसरे देशों को बेचता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2021 में भारत का इन्फ्लेशन रेट 4.8% प्रेडिक्ट किया गया। 2020 में भारत का इन्फ्लेशन रेट पेंडेमिक के कारण 6.2% तक हो गया था। देखा जाए तो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है और ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। 2014 से पहले भारत का इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा हुआ था और 2014 के बाद से इन्फ्लेशन रेट कितना कम हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पेंडेमिक के बावजूद भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा FDI आया है। जहां 2019-20 में भारत में $74.39 बिलियन का FDI आया था, वहीं 2020-21 में भारत में $81.72 बिलियन का FDI आया है। FDI में 10% की जंप देखने को मिली है। इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर की बात करें तो GDP के नंबर्स मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं, और वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने अपने 5 साल के दूसरे टेन्योर में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट सेट किया है। पर पहले स्लोडाउन और अब कोरोना वायरस के चलते ये टारगेट अपने समय पे पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। पर इसके बावजूद सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडियन इकोनॉमी 2027 में जर्मनी को बीट करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और 2030 में जापान को बीट करके वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR UK की वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी है। ये हर साल डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी को एनालाइज करके उनके इकोनॉमिक फोरकास्ट बताती है। इसके अलावा CEBR ने बताया है कि भारत आने वाले 5 सालों में 7-8% के बीच ग्रो करेगा, पर जैसे जैसे भारत डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे उसकी ग्रोथ रेट कम होती जाएगी और 2035 तक भारत की ग्रोथ रेट 5.8% तक आ जाएगी। देखो, कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी है, पर देश को आर्थिक सुस्ती से निकालने के लिए बीते कुछ महीनों में भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स को कम किया है, PLI स्कीम को लॉन्च किया है जिससे फॉरेन कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल सके, इंडियन कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सके और साथ में इंडियन स्टार्टअप को फायदा मिल सके। FDI की पॉलिसी में चेंजेस किए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर की आर्थिक सुस्ती को दूर किया जा सके। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का असर आपको तुरंत देखने को नहीं मिलता है, 3-4 साल में आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि GST का फायदा हमें अब मिल रहा है, सरकार को हर महीने GST से रेवेन्यू मिलता है जो पहले नहीं मिलता था। वैसे ही डिजिटल इंडिया का फायदा हमें पेंडेमिक के समय में मिल रहा है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। तो इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर अच्छा है, पर इसको और अच्छा बनाया जा सकता है कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत जबरदस्त वीडियो थी। भारत की इकॉनमी को बड़े आसान अल्फाज में बयान किया गया, जिस तरह एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि 1st century में भारत की इकॉनमी दुनिया की पूरी इकॉनमी का 32% थी, जो 10th century में कम होकर 28% पर आ गई और हालात इस कदर ख़राब होते गए कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत की GDP पूरी दुनिया की GDP का सिर्फ 3% तक रह गई थी। हालांकि कभी दुनिया इस खित्ते को सोने की चिड़िया कहती थी, लेकिन फिर इस सोने की चिड़िया को हर किसी ने नोच कर इतना खा लिया कि बिल्कुल इस चिड़िया की परवाज बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की GDP ही उस वक्त ज़्यादा थी, उस वक्त भारत और चाइना में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रहा करती थी और ये वो वक्त था जब यूरोप को डार्क एज का ज़माना कहा जाता था। अफ्रीका और अरब ममालिक में वैसे ही बहुत वीराना था और शुमाली जनूबी अफ्रीका दुनिया की नज़रों से वैसे ही ओझल थे। आज 2022 में भारत की GDP का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया की GDP में तकरीबन 7.8% है, जो 2026 तक बढ़ के 8.3% तक हो जाएगा। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि 2026 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा
और भारत की आबादी दुनिया की पूरी आबादी में 17% का कंट्रीब्यूट करेगी। अपनी जरखेज सरजमीन की वजह से भारत कभी दुनिया का सबसे एग्रीकल्चर मुल्क हुआ करता था, सबसे बड़ा ज़रई मुल्क हुआ करता था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री पे हुकूमतों ने तवज्जो दी तो भारत इंडस्ट्रियल मुल्क बना। लेकिन अब आईटी का ज़माना आ चुका है। लेकिन ये बात मुझे सुन के बहुत हैरानगी हुई कि 1954 से पहले पहले भारत में जनरल मोटर और फोर्ड की कंपनियों के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, जिसे भारत सरकार की पॉलिसियों की वजह से यहाँ से जाना पड़ा, जिसे लाइसेंस राज कहते हैं, या जो नेहरू जी ने इकॉनमी से मुतलक जो पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन फिर वो उसका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि 1990 की दहाई के आगाज़ में भारत ने मुश्किल तरीन मुआशी वक्त देखा, और ये इतना ज़्यादा मुश्किल था कि 1991 में जब भारत का बजट पेश करना था तब बजट ही पेश नहीं हो सका था, और भारत को अपने कर्जे उतारने के लिए, अपना मुल्क चलाने के लिए सोना तक, अपने मुल्क का गोल्ड तक गिरवी रखवाना पड़ गया था। ये बहुत मुश्किल हालात थे। और उस ज़माने में फिर जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जो आगे चल के इंडिया के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने कामयाब पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाते हुए भारत को मुआशी तौर पर जो मजबूत बनाने का एक फैसला लिया, उसके आगे चल के असरात नज़र आना शुरू हुए। कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी की हुकूमत आई, और बीजेपी के बाद दोबारा मुसलसल 10 साल के लिए कांग्रेस बरसर इक्तदार आई, और यूँ इंडिया की मुआशी पॉलिसियों का तसलसल चलता रहा। और फिर 2014 में जब बीजेपी आई तो 2014 से 18 तक भारतीय इकानमी का सुनहरी दौर गुजरा। लेकिन फिर 19 में भी भारतीय इकानमी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, और 20 के कोरोना वायरस की वजह से इंडिया की इकानमी को अच्छी खासी ब्रेक लग गई। लेकिन फिर से अब हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकानमी कम बैक कर रही है, और आज 2022 में इंडिया की इकानमी का ग्रोथ रेट 9% के आसपास हो चुका है, और ये दुनिया की ट्रिलियन इकानमी में पहले नंबर पर है। इंडिया में पिछले 2 सालों में FDI यानी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में $82 बिलियन थी, वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टारगेट सेट किया गया उसमें तकरीबन $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ आज भी इंडिया, जिस तरह वीडियो में बता रहे थे कि इंडिया तजारती खसारा उठा रहा है, ट्रेड डेफिसिट उठा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का तजारती खसारा इस वक्त तकरीबन $200 अरब के आसपास है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने $418 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, इसके साथ साथ $250 बिलियन की IT एक्सपोर्ट भी थी, लेकिन इंडिया की इम्पोर्ट $620 बिलियन की थी, और ये $200 बिलियन का फ़र्क था। वीडियो ने भी कहा कि इंडिया ने आज तक ट्रेड सरप्लस हासिल नहीं किया, यानी कि इंडिया में एक भी साल आज़ादी के बाद ऐसा नहीं गुजरा जब इंडिया की एक्सपोर्ट इंडिया की इम्पोर्ट से ज़्यादा हो। पॉवर्टी रेट को डिक्रीज़ करने में इंडिया ने अच्छी खासी कामयाबी समेटी है, और 2006 में जो इंडिया में पॉवर्टी रेट 55% था, वो 2016 में कम होके 21% तक आ गया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह इंडिया में इस वक्त तकरीबन 8% के आसपास है, जो कि पाकिस्तान की नस्बत बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 12% यानी 12% से भी ऊपर निकल गई है। लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि पाकिस्तान अभी तुर्की नहीं बना या वेनेजुएला नहीं बना। आज इंडियन इकानमी में एग्रीकल्चर 15%, इंडस्ट्री 23% और सर्विसेज का सेक्टर 61% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इंडिया की जो इकानमी के फ्यूचर के बारे में बात की गई कि 2026 में इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी बन जाएगा, जबकि 2030 में इंडिया जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकानमी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकानमी हमेशा इसी रेट से ग्रो करती रहेगी, बल्कि 2035 के बाद इसमें गिरावट आ जाएगी, और ये गिर के तकरीबन 5.8% के आसपास आ जाएगी। लेकिन फिर भी जिस तरह वीडियो में दिखाया गया कि पार्टीशन के बाद से इंडिया की इकानमी ने खुद को स्टेबल करते हुए आज जिस रास्ते पर यह चल रही है, ये सच में भारतीय आवाम के लिए एक अच्छा वक्त लाने का पैगाम दे रही है, क्योंकि मईशत जब मजबूत होगी तो फिर दिफा मजबूत होगा, और हर चीज़ जो है बेहतर होती चली जाएगी, और लोगों का मयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।